लेह का जो केस सामने आया है, जिसके अंदर आपने देखा पिछले दिनों से जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसके अंदर लेह के पत्रकारों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा उनको रिश्वत देने की जो बात सामने आ रही है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2 तारीख को, जिसके बाद कुछ सफ़ेद लिफाफे देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नज़र आए, जिसके अंदर अब जो पैंथर्स पार्टी है उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए उन नेताओं को जो इस ब्राइबरी केस के अंदर इन्वॉल्व हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पैंथर्स पार्टी के सीनियर नेता कैप्टन रिटायर्ड अनिल गौड़ जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पैंथर्स पार्टी क्या चाहती है। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या डिमांड रखी है आपने पैंथर्स पार्टी की तरफ से, क्या डिमांड? देखिए, ये जो ले ब्राइबरी केस है, ये एक बहुत संगीन जुर्म है कि आप एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शंस का, वो उसका उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, पर दूसरा आप फोर्थ स्टेट जो है हमारी, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, उसको आप ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ओपिनियंस को आप मोड़ तोड़ के अपने हक में करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, ये पूरा का पूरा वाक्या जो है ये सीसीटीवी कैमरे के ऊपर कैद हुआ है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कर रहे, तो इसलिए ये जो सारा वाक्या है उसके अंदर सीनियर लीडर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, एमएलसी हैं उनके अंदर, उनका स्टेट प्रेसिडेंट है उनके अंदर, उनके एक और सीनियर लीडर नरेंद्र सिंह जी हैं और बाकी जो लीडर्स हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे दिख रहे हैं कि उसके अंदर लिफाफे कैसे दिए, किसने लिफाफे जर्नलिस्ट ने खोले, फिर उनको वापस दिया, फिर इन्होंने नहीं लिए तो उन्होंने टेबल के ऊपर रख के वहाँ छोड़ के आ गए हैं। तो ये इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं हुआ। दूसरी बात, यही जर्नलिस्ट, इन्होंने 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 3 तारीख को इन्होंने जाके ये जो है FIR जो है, एक अपनी रिटन कंप्लेंट, ये कंप्लेंट है आप देखिए, ये रिटन कंप्लेंट दी है उन्होंने थाने के अंदर। और 3 तारीख से लेकर कल तक, बहुत शर्म की बात है कि जो ले पुलिस है टोटल इनएक्शन कर रही थी इस मसले को, वो कह रही थी कि इसको कारपेट के नीचे दबा दो, ना निकले बाहर। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी सेंटर में है, अभी केयरटेकर गवर्नमेंट है, पर ये जो हमारा राज्य है ये प्रेसिडेंट रूल के अंडर है, तो इसी का मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का रूल है, तो इसीलिए इसको दबा दो, मत दिखाओ। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यही जर्नलिस्ट, देखिए इतनी मैं कहता हूँ इनकी दाद देनी चाहिए जर्नलिस्ट की, इनकी जो इंटेग्रिटी की दाद देनी चाहिए, और ये CGM के पास जाके और फिर CGM से ऑर्डर करवा के FIR दर्ज करवाई, कितनी शर्म की बात है मैं कहूँगा ले पुलिस के लिए और हमारे पुलिस महकमे के लिए। और कल हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने गवर्नर साहब से मांग की थी कि गवर्नर साहब ये आपके अंडर है और ये गवर्नर हाउस की गरिमा का मतलब है। क्यों? क्योंकि इस जो प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट के आप आपके थ्रू एज गवर्नर, आपके थ्रू ये रूल चल रहा है और इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो कॉमन मैन का जो कॉन्फिडेंस होता है गवर्नर के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो बनाए रखना वो आपकी जिम्मेदारी है, और आपने अभी तक कुछ नहीं किया। और ये जर्नलिस्ट फिर CGM से कह के फिर उन्होंने FIR दर्ज करवाई, कितनी शर्मनाक बात है। आप देखिए, एक आदमी जो है कॉमन मैन, वो क्या करेगा अगर ऐसी बात होगी? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी हमने बड़ी करप्शन दूर कर दी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी हमारे पार्टी के अंदर कोई करप्शन नहीं है, तो आपकी पार्टी में करप्शन नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके स्टेट प्रेसिडेंट्स ऐसे इन्वॉल्व हैं कि जर्नलिस्ट को दे रहे हैं पैसे? ये क्या है? हमारी तो मांग है कि ये जो प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे स्टेट प्रेसिडेंट्स जो हैं उनको भी हटाइए, और जो ये MLC जो इन्वॉल्व हुए जिनके खिलाफ अब FIR हैं, इनको अरेस्ट करिए और इनको डिस्क्वालीफाई कीजिए। ऐसे लोग नेता नहीं बन सकते पब्लिक के, क्योंकि इनका जो, अगर ऐसे भ्रष्टाचारी नेता होंगे तो आगे क्या होगा? फिर तो वो साफ साफ है कि आगे वही बात होगी कि अगर नेता भ्रष्टाचारी है तो आगे जनता भी भ्रष्टाचारी होगी। फिर आपने करप्शन कौन सी दूर की? फिर आप तो करप्ट गवर्नमेंट चला रहे हैं, खुद करप्ट है, खुद करप्ट गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो ये तो सारा सारा सामने सामने है लोगों के सामने। आपने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपील की थी कि जल्द से जल्द इमीडिएट एक्शन लिया जाए। अब बात ये आती है कि जहाँ पर आज बात चल रही है चौकीदार की, चौकीदार और कांग्रेस कह रही है चौकीदार चोर है, आपका चौकीदार ईमानदार है, BJP ये कह रही है,
लेकिन वहीं पर इस तरह की चीज़ें सामने आना, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के ऊपर भी जिस तरह से अब प्रेस क्लब ने सामने आई और उसके बाद कोर्ट का सहारा लिया गया, ये चीज़ पहले ही हो जानी चाहिए थी अगर ये चीज़ सीसीटीवी कैमरा में सामने देखने को मिल रही है? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि पहली बात तो ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने की और उसके खिलाफ, आपके खिलाफ अगर जर्नलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी इमीडिएटली उनसे, उनको कहना था ठीक है जी गलती हुई हमारे से, हम इसको, आप एक कहते हैं चोरी और दूसरा सीना चोरी, आप कहते हैं जी हमने किया ही नहीं। और मैं तो पुलिस की इनएक्शन की बात देखता हूं कि भाई आप देखिए, प्रेस क्लब ऑफ ले ने चिट्ठी लिख के दी है आपको और उन 7 जर्नलिस्ट ने लिखा है, अपने नाम लिखे हैं उसके ऊपर, 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 3 तारीख को उन्होंने दी है और उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है, ऑन 2 मई एट अराउंड 2 PM आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज ओवर, बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना एंड MLC विक्रम रंधावा ट्राई टू ब्राइब मीडिया पर्सन बाय ऑफरिंग अस मनी इन एनवलोप इन एन अटेम्प्ट टू यूज आवर प्लेटफॉर्म टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस। क्या मतलब है इसका? आपने इसकी जो रिटर्न कंप्लेंट है आपने उसको भी नकार दिया, आपने कोई एक्शन नहीं किया। ये 3 तारीख की है, हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल क्या तारीख थी, 9 तारीख, 6 दिन आप इसके ऊपर सोते रहे। आप जवाबदार हैं, वहाँ के ले के SP SSP जो हैं और ले के DC वगैरह सब जवाबदार हैं, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया इसके ऊपर? अगर ये प्रेस कल उन्होंने जुलूस निकाला, फिर वो CGM के कोर्ट पास गए और CGM ने कल ऑर्डर दिए, कितनी शर्मनाक बात है। क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस हिसाब से चल रही है? मैं गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपने करप्शन हटाई, जब से आपने कुर्सी संभाली कौन सी करप्शन हटी है? ये आपके आप जो ये वही लीडर है स्टेट प्रेसिडेंट जिसने जब आपने कुर्सी संभाली थी उसने कहा था कि गवर्नर साहब तो हमारे अपने आदमी हैं, क्या आप अपने आदमी का वही दिखा रहे हैं अपनापन कि आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं ऑर्डर कर रहे? और CGM के थ्रू आपको कोर्ट के ऑर्डर इनके लेने पड़े इन जर्नलिस्ट को कि इनके खिलाफ, इन लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, ये तो हालत है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही बात है जो स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि गवर्नर अपना आदमी है, गवर्नर साहब अपने आदमी है उनके। हमारा तो सीधा पैंथर्स पार्टी का सीधा सीधा एक इल्ज़ाम है अब कि क्यों गवर्नर साहब आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब जो स्टेट प्रेसिडेंट ने उसने अपने बयान में कहा था ये बिल्कुल ठीक कहा था। हम तो ये भी मांग करेंगे कि अगर आप ये इसको नहीं कर सकते तो गवर्नर साहब आपको कोई हक नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का, आपको कुर्सी अपने एक एज अ मॉरल ग्राउंड्स पे आपको छोड़ देनी चाहिए कि आप फेलियर हो गए हैं, यहाँ पे प्रेस को ब्राइब कर रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ गई हैं, पुलिस की इनएक्शन है और आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, और सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है। ये भी नहीं कि आपके नीचे बड़े मंत्री हैं या यहाँ चीफ मिनिस्टर के नीचे बहुत मंत्री होते हैं, कहते हैं पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, एक आप हैं और आपके एडवाइज़र हैं और सीधे उसके नीचे DGP और उसके नीचे पूरी पुलिस फोर्स है, और फिर भी जर्नलिस्टों को जाना पड़ता है CGM की कोर्ट में, बहुत शर्मनाक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सो पैंथर पार्टी का कहना है कि जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए उन नेताओं को जो इसके CCTV फुटेज के अंदर और जिस तरह से जो मांग की गई है FIR लगाने की, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ये कहना है पैंथर्स पार्टी का। आप लोग देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली JK मीडिया के लिए।